हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को प्यार भरा नमस्ते, मेरे साथ वालों को हेलो हाय। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 बजे से, और नाश्ता तो हमने अभी बनाया नहीं है, तैयारी चल रही है। सब्जी बना दी, रोटी बनाते हैं अब, और आप लोगों का नाश्ता तो हो ही गया होगा। सबसे लेट हम ही चलते हैं शायद दुनिया में, हमारे खाने का कोई फिक्स नहीं है। और बताओ तब। और आज भी घर के काम है, कहीं जाना नहीं है, काम निपटाने। और पीछे से वो क्या बोलते आते रहते हैं, कूड़ा कचरे वाले, सब्जी वाले, तो बने रहे ब्लॉग में मेरे साथ, सबको दिखाते रहूँगी। और अच्छी धूप खिली हुई है यहाँ पे, गिलोय का वो है, बिल गिलोय की बेल है यहाँ पे। और सामने तो आंटी जी ने बहुत तेज वो टीवी में चला रखा है, इतना तेज साउंड कर रखा है, सारे सबको सुना रहे हैं। फ्रेंड्स, रोटी बन गई है, ये वाली प्लेन बना रखी, नीचे वाली क्योंकि तो घी लगा रखा है, ये बहुत गर्म हो रखी है, मेरा हाथ भी जल गया। और यहाँ पे हमने रखी है कोदा की रोटी, और साथ में बनाया है वो क्या बोलते हैं आलू गोभी की सब्जी। तो आ जाओ आप सब लोग भी नाश्ता करने के लिए। सबके लिए खाना लगा दिया है, ससुर जी तो अभी खाएंगे नहीं, अभी पूजा कर रहे हैं। आलू गोभी की सब्जी, ये मेरी प्लेट, सासू जी की प्लेट, और ये ननद की प्लेट। फ्रेंड्स, अब है कपड़े धोने की तैयारी, रखे हुए धोने के लिए तो पर्दे धोते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं चाय पी के छत में, और यहाँ पे किताबें डाल रखी हैं, पापा ने सारी बार हमें संभाल रहे हैं, ये सब उसी की हैं, श्रीमद् भगवत गीता, महापुराण, ये वो, जिसको सुनना है तो बता देना, पढ़ने का टाइम तो नहीं है मेरे पास, पर बड़ा बड़ा मुझे याद है, मैंने किसी भागवत से सुना था, तो मैं आपको वैसे ही बता दूँगी, पूरी भागवत में आपको ऐसे ही बता दूँगी। चप्पल कहाँ है? इसी ने रख ली पूजा वाले कमरे में, और धूप चली गई है, कुछ कपड़े हमारे सूख गए, पर्दे तो सूख गए, लेकिन ये वाले कपड़े अभी सूखे नहीं। श्रीमद् भगवत गीता और दूसरी गीता, एक गीता तो एक गीता दूसरी गीता को संभाल रही है। तो फ्रेंड्स, आज रात के खाने में बनाई है प्याज की सब्जी, और मेरे लिए तो दिन का चावल है, मुझे चावल ही पसंद है, और इसमें है भटवाणी, इससे बहुत गाढ़ा हुआ है, इसमें भी थोड़ा पानी गर्म करके तभी बनाएंगे। और यहाँ पे रखी है मलाई, उसमें दही और आलू गोभी की सब्जी, और रोटी बनाएंगे चने वाली। तो गाइस, मैं बना रही हूँ रोटी, चने की बड़ा रोटी, क्योंकि मेरी ससुर जी जो है प्लेन रोटी नहीं खाते हैं, उनसे चलाई नहीं जाती है, तो चने की रोटी चला लेते हैं, रोटी सही सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं रुचि सुने की मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।